हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज की वीडियो का टॉपिक है एनिमल न्यूज एपिसोड 6। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं बता दूं हमारे चैनल पे पेट रिलेटेड वीडियोस बनती है और एनिमल रिलेटेड वीडियोस बनती है। एनिमल न्यूज सीरीज भी चलती है जो कि आप देख रहे हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की। हम सब रोज न्यूज में देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में मजदूर अपने घर की तरफ जाने लग रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है वो पैदल जाने लग रहे हैं, मीलों मील पैदल जाने लग रहे हैं। तो इसी बीच में एक फोटो सामने आई है, एक जो व्यक्ति है वो अपने हाथ में एक तरफ डॉग अपना लेके जा रहे हैं और एक तरफ डग अपनी साथ में लेके जाने लग रहे हैं। तो कई लोगों ने उन्हें ऑफर किया कि ये आपके जो पेट्स हैं, जो ये एनिमल है, इनको कोई एनजीओ संभाल लेगा। तो उस व्यक्ति ने ये कह के रिफ्यूज कर दिया इस बात को, उसने मना कर दिया कि ये मेरी फैमिली के पार्ट है और फैमिली मेंबर्स को ऐसे किसी और के हाथ में नहीं दिया जाता। तो ये जो इंसिडेंट है, ये उन लोगों के लिए आई ओपनिंग है जो अपने पेट्स को अबेंडन कर रहे हैं इस वजह से कह के कि ये कोरोना वायरस क्या था, ये कोरोना वायरस के कैरियर हो जाए। सो आप इस इंसिडेंट से कंपेयर कर सकते हो कि कौन असली पेट लवर है और कौन मतलब कि फेक पेट लवर है। अब बात करते हैं सेकंड न्यूज की। AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सभी पेट शॉप्स को रजिस्टर्ड होने के लिए कहा है और उनको इसके लिए एक सीमित टाइम दिया गया है। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो लॉकडाउन खुल रहा है तो उसके साथ साथ ये जितने भी पेट शॉप है सारे रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि जो इलीगल पेट शॉप में जो एनिमल क्रुएल्टी होती है और जो इलीगल ब्रीडिंग होती है जिसकी वजह से ये एनिमल स्प्रेड डिजीज फैलती है, उसको रोका जाए। इसके पीछे यही पर्पस है। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज की। देश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला केस असम में देखा गया है, जहां पर 2500 जो पिग्स है वो मर गई है और ये 306 विलेजेस के अंदर ये एरिया कवर किया गया है जहां पे ये इतनी संख्या की जो पिग्स है वो मर गई है। इस बात की पूरी कंफर्मेशन दी गई है कि ये जो फ्लू है ये सिर्फ एनिमल ट्रांसमिटेड है, ये इंसानों में नहीं फैलेगा। अब बात करते हैं फोर्थ न्यूज की। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे गाड़ियां सड़कों पर वापस आने लग रही है, पर जब लॉकडाउन था, जब गाड़ियां कम थी, तो जो ये स्ट्रीट डॉग्स थे वो अब उनको मौका मिल गया था अपनी टेरिटरी बढ़ाने का, तो इनकी टेरिटरी सड़कों तक चली गई थी। तो अब जैसे ये लॉकडाउन खुलने लग रहा है, धीरे धीरे गाड़ियां वापस आ रही हैं, तो एनिमल एक्सीडेंट के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है, तो जो भी अपनी सड़कों पे जाए तो वो ध्यान से मतलब गाड़ियां चलाएं, थोड़ा ध्यान दें कि साइडों में डॉग्स वगैरह भी हैं। थैंक यू वेरी मच।